आरपी भारत केवल खबरें और कुछ नहीं। लोहरदगा जिले के किस्को मुख्य चौक पर लगने वाली साप्ताहिक शनिवार बाजार अचानक दो दिनों से हो रहे झमाझम बारिश की वजह से टापू बन गया है। शनिवार को लगने वाली साप्ताहिक बाजार बारिश की वजह से वीरान नजर आया। क्षेत्र के दुकानदार और किसान काफी परेशान नजर आ रहे हैं। किसानों द्वारा अपने अपने खेतों में लगाई गई फसल भारी बारिश की वजह से नुकसान हुआ है। क्षेत्र के किसान बारिश से हुए फसलों के नुकसान को लेकर काफी चिंतित नजर आ रहे हैं। किसानों और आमजनों की माने तो दो दिनों से हो रही जोरदार बारिश से लोगों की फसलें ही न सिर्फ बर्बाद हुई हैं, बल्कि आमजनों को घर से निकलना भी दुभर हो गया है। लोग अपने अपने घरों में दुखी नजर आए। प्रखंड क्षेत्र में अचानक हुई जोरदार बारिश के कारण आम जनजीवन अस्त व्यस्त हो गया है। प्रखंड क्षेत्र के ग्रामीणों की रोजमर्रा भी बारिश की वजह से बाधित हुई है। बता दें कि किस्को मुख्य चौक पर स्थित बाजार टांड सप्ताह में दो दिन मंगलवार और शनिवार को बाजार लगता है, जिसे क्षेत्र के किसानों और ग्रामीणों के लिए बड़ी राहत पहुंचाने का कार्य करती है। सबसे बड़ी बात यह है कि उक्त बाजार से लाखों रुपयों का राजस्व सरकार को मिलता है, बावजूद इसके बाजार में आमजनों की सहूलियत हेतु व्यवस्था नदारद है। इससे क्षेत्र के किसान और आमजन सरकारी अमला की कार्यशैली से खफा है। लोहरदगा से अमर गोस्वामी के साथ किस्को से हुसैन अंसारी की रिपोर्ट।